एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक के प्रचार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुनने के लिए भारी संख्या में स्नातक वर्ग के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से उत्साह भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में अरुण पाठक जाने वाले हैं और उन्होंने कानपुर और उन्नाव के सभी स्नातक मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस बार भी एमएलसी चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार अरुण पाठक को अपना अमूल्य मत देकर फिर से विजयी बनाए। लंबे समय से पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भी जहाँ जहाँ हम लोग खड़े होते हैं वहाँ वहाँ जीत जाते हैं। और उत्तर प्रदेश तो सारी हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का, विकास का, कानून व्यवस्था का, इसका एक विशेष प्रकार का क्षेत्र है। यहाँ पर माननीय अरुण पाठक जी प्रत्याशी हैं, पहले वह इस पद पर रह चुके हैं और मैंने उनका विधान परिषद में उत्कृष्ट काम देखा है। हम सभी में कोई भी चीज़ पहली बार नहीं है, बचपन से कलम पकड़ने की आदत किसी गुरुजी ने, माता ने, जो माँ पहली गुरु होती है, उन्होंने हमें हाथ में कलम पकड़ाई होगी, कुछ लिखना सिखाया होगा, चलना तरीका सिखाया होगा। उन सब गुरुओं का आशीर्वाद लेके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। विभिन्न संगठनों के माध्यम से शिक्षक हितों की बात सभी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक हितों की बात यूं ही रखती थी। संगठनों का जितना भी उनकी ऐसे बातें रहती हैं जो मनवानी चाहिए, माननी चाहिए, उनको सही माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। आज इस नामांकन जन यात्रा में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आज यहाँ पे आ रहे हैं और कानपुर की प्रबुद्ध मतदाता उन्नाव और कानपुर देहात के प्रबुद्ध मतदाताओं ने अब की इस स्नातक चुनाव में एक नया इतिहास रचने का संकल्प किया है। 3 तारीख को एक बहुत महारिकार्डिया बनने वाला है। एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक के प्रचार में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर पहुंचे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गई हैं जीवा खान। जीवा, जिस तरह से एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक के लिए प्रचार करने के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंचे ब्रजेश पाठक कानपुर और भी कई नेता पहुंचे, तो ऐसे में क्या लग रहा है, कितनी दमदारी है या जमीनी स्तर पर कितने लोग उनसे संतुष्ट हैं या कितना उन्हें बहुमत मिल सकता है? देखिए, इस स्नातक सीट जो है वो लंबे समय तक कांग्रेस के पास रही है। पहली बार 2014 में उपचुनाव में इस सीट पर भाजपा ने अरुण पाठक के रूप में जीत हासिल करी थी। तब से ये सीट भाजपा के पाले में आ गई थी। अरुण पाठक चूंकि पेशे से एक शिक्षक भी हैं और आम जनमानस में उनका ठीक ठाक जो है पकड़ भी है, एक तरीके का अच्छा जनसंपर्क भी है उनका, तो इस लिहाज से उनको जो है यहाँ पर भाजपा ने कल घोषित किया है लगातार तीसरी बार। और डिप्टी सीएम इनको जो है वो जो एक उन्होंने जो घोषणा करी थी उसके लिए यहाँ पर आए थे। और इसके साथ ही जब डिप्टी सीएम आए तो यहाँ पर जो है कुछ जाम की स्थिति हो गई, उनको देखने के लिए लोग कौतूहल से रुक गए, लगातार गाड़ियां भी लग गई और ब्रजेश पाठक की इतनी लोकप्रियता है डिप्टी सीएम की तो उसको देखकर लगातार जाम बन गया। इसको लेकर जो है यहाँ पर डिप्टी सीएम कुछ दूर पैदल भी चले, जहां तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां पर वो उनको पैदल जाना पड़ा। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका जिबा। और ये हमारे साथ सहयोगी थी सेवा, जिन्होंने जानकारी दी है कि प्रत्याशी अरुण पाठक के प्रचार के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जब कानपुर पहुंचे तो इतनी तादाद में वहां पर लोगों ने सुनने के लिए पहुंचे कि जाम की स्थिति बन गई। तो जाहिर सी बात है कि जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनका बहुमत यहाँ ज़्यादा है, पहचान ज़्यादा है, लोकप्रिय है काफ़ी, और ऐसे में उप मुख्यमंत्री की तरह जो पहुंचे ब्रजेश पाठक, जो उन्होंने जान फूकी लोगों में और अपील की कि इन्हें जिताएं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है।